नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन मोदी ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों समेत समाज के सभी तबकों पर तक पहुंचने के लिए कोशिश लगातार करनी चाहिए। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि पसमांदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दें या ना दें लेकिन मुलाकात करें। इसके अलावा उन्हें पढ़े लिखे और प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी बात करनी चाहिए, इसके बदले उनसे वोट की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सभी समुदायों तक पहुंचने की बात की है और कहा है कि चुनाव में अब 400 दिन बचे हैं और हमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करने के लिए इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और इस वक्त का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। और साथ ही साथ इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों में जीत के लिए बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव उसने किया है और अब बीजेपी मुस्लिम विरोधी छवि को बदलना चाहती है। मोदी के संबोधन को बीते साल जुलाई में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तर्ज पर समझा जा सकता है। बीते साल हुई कार्यकारिणी में मोदी ने पसमांदा मुसलमानों और केरल में ईसाई समुदाय से जुड़ने के लिए रास्ते तलाश करने की बात की थी। उस वक्त बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पसमांदा मुसलमानों के लिए आउटरीच कार्यक्रम बनाया था और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि केंद्र की योजनाएं उन तक पहुंचे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एक तरफ जहां अपना वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों की ताकत को भी कमजोर करना चाहती है, जो मुस्लिमों के साथ अन्य वर्गों को जोड़कर कई लोकसभा सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर देते आए हैं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुसलमानों को रिझाने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों के अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपी है। दरअसल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान के लिए और इसके जरिए ही देश भर के मुस्लिम समुदायों के बीच अपनी पैंठ को बनाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अल्पसंख्यक मोर्चे को देश भर में मुस्लिम बहुल इलाकों, मुस्लिम बहुल बस्तियों और मुस्लिम गांवों और मोहल्लों में जाकर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संवाद करने का निर्देश दिया है। नड्डा ने अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं को मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर उन्हें केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किए गए कामों और उपलब्धियों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है वहां के अल्पसंख्यक मोर्चे को दायित्व दिया गया है, साथ ही साथ वे वहां के राज्य सरकारों की नाकामियों को उजागर करें और उन्हें बताएं कि उन्हें मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। पार्टी खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, हलाला और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ भाजपा का महिला मोर्चा की मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। छोटे मझोले मुस्लिम व्यापारियों को हुनर हाट के जरिए उपलब्ध कराए जाने रोजगार की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़कर भाजपा अपने वोट बैंक के दायरे को तो बढ़ाना चाहती ही है, साथ ही साथ देश भर के 20,000 से अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य बूथ जहां पर भाजपा कमजोर है उसे भी मजबूत कर लेना चाहती है। बता दें आपको कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं। चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाता सूची का अनुमान नहीं बताता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में लोकसभा के 218 निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की वोट में हिस्सेदारी 10% से अधिक है।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू के, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और धनोज कुमार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, इस खास कार्यक्रम की आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन रहा, दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और संबोधित करते अल्पसंख्यकों की याद आ गई और ये भी बता दिए कि चुनाव में 400 दिन है। सर 400 दिन बचे हैं अल्पसंख्यकों की याद आना, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि बिना अल्पसंख्यक के, बिना सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास हासिल किए अब एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल है? सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। पहले तो आपको इस मुद्दे को समझना बहुत आवश्यक है, आपके प्रश्न में ही दो तीन उत्तर भी आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक स्लोगन का आपने जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को लेके कोई भेदभाव नहीं रखा। लेकिन चूंकि भारत में कुछ छद्मी सेक्युलर दलों ने, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था, जिनके पास कुछ करने को दिखाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के फूट की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी सदैव से भारत के 140 करोड़ आबादी के मान सम्मान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए प्रयासरत रही है। अब आपको देखना होगा कि हमारे पुरोधाओं ने क्या ग्रंथ लिखा और किस बुनियाद से हमारे पार्टी की नींव रखी गई। अगर मैं अंत्योदय की बात करूं तो अंत्योदय में बड़ी साफगोई से लिखा हुआ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हरेक व्यक्ति को जब तक जीवन स्तर में ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक भारत का सही मायने में निर्माण नहीं होगा। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट से देख लीजिए, इन लोगों ने किया क्या मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए? किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय तकियानुसी के कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आप पर ये अत्याचार होगा, आपको नहीं ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। आप देखिए गुजरात में पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ के अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर कितना ऊंचा है। जब से मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं वहाँ का क्या हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश के ये छद्मी सेक्युलर लोगों ने इनको भड़का के, इनको बहला फुसला के भाजपा से दूर रखा। उसके बाद इस बार तो मध्य प्रदेश में सर आपकी सरकार नहीं थी, ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरा के आप अपनी सरकार बना लेते हैं। इतनी आप लोगों को सत्ता पर काबिज होने की लगती है कि अगर चुनी हुई सरकार होती है उसके ही विधायक अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो ये तो सर मेरी समझ में दिक्कत है या फिर आप नहीं समझा पा रहे हैं सर? ये मैं इस पे आऊंगी, लेकिन पवन दीक्षित जी क्या आपको लगता है, सबका साथ सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती हुई आ रही है, लेकिन जब सबके विश्वास की बात की जाती है तो अब क्या विश्वास हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों का ये एक नया सिगुफा फेंका जा रहा है, चलाया जा रहा है, या फिर यूं कहे कि प्रधानमंत्री के जरिए अगर इस बात का जिक्र किया जाता है कि आप जाइए अल्पसंख्यकों के बीच जाइए, उन्हें बताइए कि सरकार की क्या योजना है, तो ये क्या बताता है? मेरा जी सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि एक सेकंड मुझे रुकता है, रखिए सर आपकी बात आवाज आ रही है हम तक। हेलो जी, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। देखिए सबसे ज्यादा कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है यहाँ जी। पिछले लगभग 22-23 साल से मोदी जी एक संवैधानिक पद पर हैं। पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पिछले 8 वर्ष से। आज आप ये सोचिए कि ये बोलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या 20-22 साल से कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई काम हो? इसका रीजन है भारत जोड़ो यात्रा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जिस तरह से भारत जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, मोदी जी सरकार हिल रही है। आपने देखा ही होगा कि रोड शो किया दिल्ली में पहली दफा, काली गाड़ी 2-3 करोड़ की गाड़ी में एकदम फर्स्ट क्लास डिजाइनर सूट पहन के 1 किलोमीटर गाड़ी में खड़े होकर इस तरह से, चलिए अच्छी बात है, निकले दिल्ली में निकले। और रीजन क्या बताया, जो महीनों पहले गुजरात का चुनाव जीते थे इसकी वजह से रोड शो कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, आप इनकी कथनी और करनी में समझिए। ये जब से
भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ रहा था हिंदू महासभा की, जब से ये मुस्लिम विरोधी रहे हैं। द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी को जिन्ना और कायर सावरकर लेकर के आए थे, उसके बाद में आप इनके तुष्टीकरण के इतने सारे बयान हैं वर्तमान में, चले छोड़े 50 साल की राजनीति हम भूल जाते हैं, तबलीगी जमात को कोई भूल सकता है जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया? क्या गोली मारो को कोई भूल सकता है? क्या कोई बुलडोजर को भूल सकता है? क्या कोई एसटीपी को भूल सकता है? क्या शाहीन बाग को कोई भूल सकता है? जवाब दीजिए आनंद जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप तो जहर बोते आए हैं, ये कैसे दांत साफ करेंगे? ठीक है पवन जी, मैं लौटती हूँ। ठीक है आनंद जी, जवाब दे रहे हैं, फिर अजय जी का रुख करते हैं और धनोज जी भी हमारे साथ है। आनंद जी, मेरी तो आपने पूरी बात उस टाइम भी खत्म नहीं होने दी। मैं ये बेहुदा टाइप के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। भारत एक गति से आगे बढ़ रहा है नेहा जी, तो उस गति में अगर प्रधानमंत्री जी, जो देश ही नहीं पूरे विश्व के एक सर्वमान्य नेता है, अगर वो कुछ पहल कर रहे हैं तो उस पहल का स्वागत ना करते हुए ये बेहुदा टाइप की और बकवास टाइप की बातों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी नहीं, याद नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार है और ये भी सत्य है कि मुसलमान वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम वर्ग को साथ लेकर चलना चाह रही है, तो ये वोट का बिजनेस नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से सबके विश्वास की बात हो रही है, ये बकवास बात नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही नेक पहल है जो भारत नेक पहल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, इस बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है। आनंद जी, नहीं आनंद जी, जिस बात का, अच्छा एक बात बताइए मुझे आनंद जी, जिस बात का जिक्र अभी पवन जी कर रहे थे, वो तमाम चीजें अल्पसंख्यक समाज भूल पाएगा क्या जिसका जिक्र आपके नेता करते रहे हैं अभी तक? बताइए ना जरा, बताइए क्या? तो मैं तार्किक आंसर दूंगा, पूछिए सवाल। इतना सब कुछ तो बता दिया पवन जी ने, 80-20 की उन्होंने बात कर दी, उन्होंने गोली मारो वो जिक्र कर दिया। अब मैं उसको रिपीट करूं क्या सर सारे बयान? इनकी सांसद प्रज्ञा है, उन्होंने अभी चाकू तय करने के लिए बोला। तो मैं बोलूं वरना इन्हीं, सुन लेते पवन जी, चुप कराइए इनको, जिनके पास कोई तर्क नहीं होता वो बकबक बक करते हैं, उसका जवाब देने नहीं बैठा हूँ। आप सवाल पूछिएगा तार्किक रूप से, एक एक बिंदु आप जवाब दूंगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये जो सिख टोपी बांध के दर्बन बांध के वोट की राजनीति करते फिर रहे दुकानदारी खोल के, क्या सिख नरसंहार कोई भूल गया? 84 का भूल गया कोई? लेकिन पगड़ी बांध के घूम रहे हैं ना, तो ये वोट की राजनीति भूल गए क्या लोग? भारतीय जनता पार्टी, चुप रहिए, आप सुनिए जरा, सुनने का धैर्य रखिए, अपने टर्म पे बोलिएगा। ये वोट की राजनीति होती है नेहा जी, वोट की राजनीति ये नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश के सरकार में आधार कार्ड देख के सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पालन नहीं हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पालन हो रहा है वहाँ की आबादी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, जब तक हम बिहार के शासन में रहे एक भी दंगा बता दीजिए आप, एक भी कोई, अब किसी ने क्या कहा काल में उसको छोड़ते हुए, अगर हमारे विश्व के सर्वमान्य नेता कुछ सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप जैसे प्रमुख एंकर को इसको पॉजिटिव वे में लेके और सबको ये इस बात का भरोसा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की। मैं अजय जी का रुख कर लेती हूँ। अजय जी, आप लोग नहीं ले रहे हैं सकारात्मक वे में, क्यों नहीं ले रहे हैं सकारात्मक वे में? कह रहे इतनी अच्छी पहल प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश होना चाहिए आप लोगों को, तो आप भी सहयोगी रहे हैं। नेहा जी, हमारे मित्र आनंद जी की बौखलाहट देख करके ये टीवी चैनल के दर्शकों को स्पष्ट मालूम हो गया होगा इनके दल में कितनी बौखलाहट। कल प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए थे और अल्पसंख्यकों के घर तक जाने की बात कर रहे थे। आप जाए तो सही है, भारतीय जनता पार्टी जाए तो खराब हो गया, क्यों नहीं जाए अल्पसंख्यकों के घर? वो देश के नागरिक नहीं है क्या? हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि भूले नहीं है, 2002 मुसलमान भूले नहीं। रही बात तो भूले न भूले वो तो अलग का विषय है। इनका एक मंत्री कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले जाओ, दूसरा मंत्री कहता है कि बुलडोजर ले करके उत्तर प्रदेश में एक चौपट बाबा है जो बुलडोजर लेके घूमते हैं, वो विशेष धर्म जात के लोगों पर ही चलता है, ये बीजेपी के किसी राजनेताओं पे नहीं चलता, वो विशेष धर्म जाति के ऊपर चलता है। तो अब रही बात, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये समझ चुके हैं कि केवल मन की बात करने से कुछ होने वाला नहीं है,
नहीं, लेकिन लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि हमने जो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए किया, जो हमने किया, वो क्या आप लोगों ने किया क्या? दंड विभेद जनता जान चुकी है, ये इसलिए बौखलाए हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी भी अल्पसंख्यकों के पास जाने की बात कर रहे हैं। और रही बात, वो कहा जाता है ना गांव में आग लगे तो भैरव आ रहा है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। ये इन वादों का झांसा दे करके, बहुरुपिया चौकीदार का भेष बना करके देश की जनता को ठगने वाले माननीय कैसी बात कर रहे हैं सर? एक बार जनता गुमराह हो जाएगी, दो बार हो जाएगी, लगातार थोड़ी ना होगी। कुछ तो कर रही होगी मोदी सरकार, कुछ तो बेहतर काम कर रही होगी। आप लोग तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, जनता नहीं समझती है क्या? आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद जी बोलते फिर मैं धनोज जी का रुख करती हूँ जल्दी। धनोज जी मैं आ रही हूँ, थोड़ी इनकी याददाश्त को दुरुस्त कर देता हूँ मैं कि हम लोगों ने क्या क्या वादे नहीं निभाए। जिस दिन इनके 7 विधायक थे ना, 7 5+2, उस दिन भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। जिस दिन ये बिहार की सबसे निचले स्तर की पार्टी थे, उस दिन भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये वादे हमने निभाए। हम लोग ये मदरसों के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते, हम लोग सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग उस तुष्टिकरण में नहीं पड़ते हैं कि नीतीश कुमार का शिक्षा मंत्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को दंगा फसाद का ग्रंथ कह रहा है और मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोला, कैसे मुख्यमंत्री है। इकबाल समाप्त है मुख्यमंत्री का, अपना तुष्टिकरण थोड़ा सुधारिए, अपनी याददाश्त ठीक कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के साथ कहाँ कहाँ वादे निभाए हैं। और 2014 का याद कीजिए, जब नौटंकी किए थे तो 2 पेला दी थी बिहार की जनता ने, तब भी आप लोग हरे रंग का ढिढोरा और चोला लेके चलते थे। ठीक है धनोज जी, करूं कर रहे हो, कलर को लेके चलते। ठीक है धनोज जी, क्या ये मजबूरी हो गई है 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी दुरुस्त रखिए, अल्पसंख्यक वोटों को याद करना, वोटर्स को याद करना? धनोज जी देखिए, सवाल है कि 2024 चुनाव तो आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा बहुत पहले ही दिया था और उसका बेनिफिट उसको मिला भी है। ये कांग्रेस के भी मित्र जानते हैं और जदयू के भी मित्र जानते हैं, बीजेपी तो भली भांति जानती है। लेकिन मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जब जदयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े, बिहार की मैं बात करूं, तो 2014 में सिर्फ 4 मुस्लिम सांसद चुने गए, 40 सीट में सिर्फ 4, जिसमें एनडीए के और कांग्रेस के। और 2019 में जब चुनाव हुआ तो देखिए, ये लोग जो भी कह ले, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मुस्लिमों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, मुस्लिमों को मैं बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ, 2019 में सिर्फ 1 मुस्लिम सांसद चुने गए। तो कांग्रेस हो, जदयू हो, ये लोग बात तो करते हैं कांग्रेस विकास का, मुस्लिम विकास का, लेकिन मुस्लिमों को जब टिकट देने की बात आती है तो 1-2 टिकट ही देते हैं। अगर ये अभी बोल दे टीवी पर दोनों मित्र, जो कांग्रेस के और जदयू के, कि आने वाला 2024 में मैं मुसलमानों को सबसे ज्यादा सीट दूंगा, तब तो समझ में आता है कि ये लोग मुसलमानों के भक्त हैं, रहनुमा है, रहबर है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की आप देखेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात का चुनाव हुआ, आप देख लीजिए वहां क्या रहा, क्या वहां के मुसलमान कांग्रेस या माननीय किसी और को दिया? जदयू के नेता नीतीश कुमार ने ताल ठोका था कि मैं गुजरात में जाके चुनाव नहीं, तो कह रहे हैं कि गुमराह कर लिया जनता को, जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पढ़े लिखे जनता है, आधुनिक भारत है ये, नियादी आधुनिक भारत में अगर कोई कहता है कि गुमराह कर लिया तो ये मिथ्या है, ये उनके तरह से झोल है और इस झोल में ना तो हिंदू आने वाला ना मुस्लिम आने वाला। आज विकास, ठीक है पवन जी, आधुनिक भारत में कैसी बात करते हैं, गुमराह कर लिया जी, ऐसा कर लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ है, काम कर रहे हैं। और जब रामपुर जैसी सीट पर उपचुनाव में अगर रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है, तो आप तो ये नहीं कह सकते देखिए मुस्लिम वोट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को, कह सकते हैं क्या? देखिए उपचुनाव में खतौली भी हुआ और रामपुर भी हुआ, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। और जिस तरह से रामपुर परिस्थितियां क्या अलग हो जाती है सर, रिगिंग हुई है, आप गणित नहीं बदल सकते हैं ना, धर्म का गणित नहीं बदल सकते हैं, जातियों का गणित नहीं बदल सकते हैं ना पवन जी, वहां से जयाप्रदा जी भी जीती है ना, कांग्रेस भी जीती है ना वहां से,
तो ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त मुस्लिम और हिंदू की बात की जा रही है। कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस की बात अलग है ना। आप सबकी बात करते हैं, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। आप तो यही बात करते हैं ना, जब हिंदुओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो रामपुर कैसे जीत जाती है, कैसे जीत जाती है? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बैठे हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बैठे हुए हैं, जेडीयू के साथ ही बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या है पूरे भारत में? क्या भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता है कि सर्वधर्म की पार्टी है? ये सभी लोग जानते हैं। इसमें देखिए, ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना कोई और एक्सेप्ट। वही सवाल है ना मेरा, अगर आप कहते हैं कि ये तो जी हिंदुओं की पार्टी है, तो फिर ये रामपुर कैसे निकाल लेते हैं? यही सवाल है मेरा सर। ये ऐसी बात नहीं है, रामपुर में तो लोग नहीं रहते। आपको पता है वहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ वीडियो देखी आपने? क्या बताया? लोगों को बूथ पे वोट तक नहीं डालने दिया गया है। कंप्लेन गई हुई है, कमल चवाल के हवाले से वापस। मैं इस चीज में नहीं आना चाहता। आप चुनाव आयोग पे, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल। आप कह रहे निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ? 44 कंप्लेन है मैडम गई हुई, 44 कंप्लेन है जिनका निस्तारण होगा कोर्ट में। क्या कोई भगवान नहीं है चुनाव आयोग? और सबको पता है कि क्या क्या चीजें इस देश में चल रही हैं। लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा, जिन चीजों पे अभी बात कर रहे हैं हम लोग, कि आज मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात है, 8 साल से मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं कि उनको अपने अधिवेशन में ये बोलना पड़ रहा है कि मुसलमानों के यहाँ जाओ, पढ़े लिखे मुसलमानों से मिलो, हमें कोई वोट देता है ना। मोदी मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये तो अहम चीज है, मैं मानती हूँ। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी धनोज जी कर रहे थे, कह रहे हैं आश्वस्त तो करिए अल्पसंख्यकों को कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी है। अल्पसंख्यक कैसे मान ले? कह दीजिए इस बार जो चुनाव होगा उसमें सबसे ज्यादा सीटें मुसलमानों को मिलेगी। मुझे गर्व है उस पार्टी पर जो सभी धर्मों की सभी जातियों की पार्टी है। कैसे हैं आप सभी धर्मों के कैसे हैं बताइए? कोई नहीं बोल सकता कि कैसे हैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की पार्टी नहीं, कैसे हैं आप सभी धर्मों के? वो कहते हैं कितने सांसद आपके जीत के आए, कितने सांसदों को आपने कितने प्रत्याशियों को आपने टिकट दिया था? ये राजनीतिक विश्लेषक साहब है, मैं इनकी बात को बता दूं, जितने भी मुसलमानों की एक पॉपुलेशन जिसकी एरिया में अनुपातिक आधार पर उस हिसाब से टिकट दिए जाते हैं। और मैं इस बात को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर 400 टिकट है तो 50-60 टिकट जाते हैं मुस्लिमों को यूपी में कांग्रेस की तरफ से, जो एक एवरेज आता है उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं। और ये आज से परंपरा नहीं है, शुरू से है, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना होता है। अब आप ये बोले कि पंजाब में जाकर के मैक्सिमम हिंदुओं को टिकट दे दिया जाए या मैक्सिमम क्रिश्चियनों को दे दिए जाए या मैक्सिमम मुसलमानों को दे दिया, तो वो संभव नहीं हो सकता। हर जगह की ज्योग्राफिकली एक स्थितियां होती है, जनसंख्या के आधार पर स्थितियां होती है। आनंद जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से बता दीजिए आप ये कैसे साबित करेंगे कि देखिए आप भी अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं और इनसे बड़े हितैषी हैं? देखिए, भारत का अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनके विकास की बात करें। आप स्टूडियो में बैठ के या ये लोग जितने मर्जी हो के मुस्लिम की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है नहीं, अल्पसंख्यक जैन सिख पादरी सभी लोग हैं, तो सबकी बात हम लोग करते हैं, हम लोग भारतीय लोगों की बात करते हैं। अल्पसंख्यक क्या अलग है भारत से? मुस्लिम क्या अलग है इस भारत से? ट्रिपल तलाक भारत में मुस्लिम के लिए ही भारतीय जनता पार्टी लेके आई ना? गुजरात के मुसलमानों का जीवन स्तर भारतीय जनता पार्टी ने ही सुधारा ना? बिहार में भी हम लोगों ने सबके लिए काम किया, उत्तर प्रदेश में आप देखिए माननीय योगी जी रोजगार लेके आ रहे हैं, उद्योग खुल रहे हैं, तो क्या आधार कार्ड देख के वहां पे बहाली हो रही है? सबको बराबर का उसमें मौका मिल रहा है काम करने का। तो ये दकियानूसी बातें ये करते रहे। सचर कमेटी पे क्या किया इन लोगों ने? सचर कमेटी लागू हुई थी ना, उसमें कुछ किया क्या? जिंदगी भर तो उन लोगों का वोट लेके इन लोगों ने देश को जात पात ऊंच नीच मजहब पंथ संप्रदाय में बांट के तहस नहस कर दिया। और अब जब दुकानदारी बंद गई, चौपट हो गई, अब रीलॉन्च करने के लिए तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, इसलिए रैली करने पर मजबूर होना, रोड शो करने पर मजबूर होना पड़ा पीएम मोदी को। डर गए आप लोग, बौखला गए आप लोग। प्रधानमंत्री जी की रैली और रोड शो लगातार चलते रहता है। प्रधानमंत्री जी कभी कभी जग के सो के नहीं जगते हैं। प्रधानमंत्री जी 24 घंटे 7 दिन 12 महीना काम करते हैं इस देश के लिए, और वो जब लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का अभिवादन लेते हैं, लोगों को अभिवादन देते हैं, ये बुनियादी एक सौजन्य है, ये कटती है जो करते हैं ये सबसे। ये दुकानदारी खोल के नहीं बैठे हैं प्रधानमंत्री जी,
जिनको रीलॉन्च होना है वो रीलॉन्च हो, भारत की जनता उनको किस कगार पे खड़ी कर दी है ये सबको पता है। चलिए, अल्पसंख्यक भी जानता है सर कि उसके विकास के लिए कितना कार्य हो रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना, जिस बात का जिक्र अभी धनोज जी कर रहे थे, आधुनिक भारत है, जनता है, सब जानती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।